भारत में रमाई रहे विश्वकप की श्रेणी अंतर्गत आज टीम इंडिया धर्मशाला में न्यूजीलैंड सामने मैदान उतरसे जमा बने टीम पॉइंट टेबल में नंबर एक और नंबर बे पर है। न्यूजीलैंड सामने मैच पहला भारतीय क्रिकेट टीम ना चार खिलाड़ी इजाग्रस्त है तो टीम इंडिया नो ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या बांग्लादेश सामेनी मैच में आज इजाग्रस्त था तो न्यूजीलैंड सामे मैच नहीं रमी सके। अन्य त्रण खिलाड़ी ईशान किशन सूर्यकुमार यादव और रविन्द्र जाडेजा पण इजाग्रस्त थया छे। नवरात्रिना पर्व पर आज दुर्गा अष्टमी की उजवणी थई रही है जेनु समग्र देश में विशेष महत्व है त्यारे उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचीने विशेष पूजा अर्चना करी छे। तेओए अयोध्या में आवेला देवकाली मंदिरे पहुंचा था अने त्यां तेओए विशेष पूजा अर्चना करी माताजीनी आरती उतारी हती। दुर्गा अष्टमीनी तिथिए मंदिर ने पण विशेष रीते शणगारवामां आवी हती। पड़ोसी देश नेपाल में फरी एक वक्त धराधुजी है और भारत नेपाल पासना सरहदी विस्तारों में तेनी असर अनुभवाई छे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 की नोंधाई छे। भारत नेपाल सरहदी क्षेत्र में आवेला भूकंपनु केन्द्र 14 किलोमीटर अंतर हतु। उल्लेखनीय छे कि गत सप्ताह दिल्ली एनसीआर में पण भूकंप अनुभवायो हतो। दिल्ली की साथ ज नोएडा और गाजियाबाद में पण धराधुजी हती और हरियाणा पण केटलाक विस्तार में भूकंप अनुभवायो हतो। कांग्रेसे राजस्थान विधानसभा चूंटणी माटे तेना उम्मीदवारों की प्रथम याद जाहिर करी छे। कांग्रेसना प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासराय तेमना सत्तावार ट्विटर एकाउंट पर उम्मीदवारों की याद अंगे माहिती आपी हती। कांग्रेस की प्रथम याद 33 उम्मीदवारों नाम सामेल कर्या छे। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुर विधानसभा सीट पर चूंटणी लड़शे ज्यारे कांग्रेस धारासभ्य सचिन पायलट ने टोंक बैठक की टिकट आपवामां आवी छे। भाजपे राजस्थान विधानसभा चूंटणी माटे तेना उम्मीदवारों की बीजी याद जाहिर करी छे जेमां 83 उम्मीदवारों नाम शामिल कर्या छे। बीजी याद में भाजपे वसुंधरा राजे ने झालरा पार्टी मैदान में उतरवामां आव्या छे। ज्योतिमिर्धा अने ताजेतरमां ज कांग्रेस छोड़ी भाजपमां जोड़ाया छे। तेओ नागौर बैठक पर चूंटणी लड़शे। पार्टीए तेनी बीजी याद में महिलाओं ने स्थान आपवामां आव्युं छे तेमज अनुसूचित जाति 15 अने अनुसूचित जनजाति 10 उम्मीदवारों शामिल कर्या छे। मध्यप्रदेश में योजनारी विधानसभा की चूंटणी माटे कांग्रेसे 88 उम्मीदवारों की बीजी याद जाहिर करी हती। जो कि शुक्रवारे राज्य में अनेक स्थलों विरोध फाटी निकलो हतो। विरोध द्वारा पार्टीना कार्यकरोए केटलाक उम्मीदवारों नाम अने केटलाक ने टिकट न आपवा उपर तेमनी निराशा व्यक्त करी हती। केन्द्रीय चूंटणी पंचे देश 5 राज्यों में चूंटणी की जाहरात करी छे। भाजप पीएम मोदी चेहरा पर 5 राज्यों की विधानसभा चूंटणी लड़शे। मळती माहिती प्रमाणे पीएम मोदी 5 राज्यों में कुल 34-35 रेलीओ करे एवी पण शक्यता छे। तेमाथी तेओ मध्यप्रदेश में कुल 11 राजस्थान में 10 तेलंगणा में छत्तीसगढ़ में 6 अने मिजोरम में 1 रेली ने संबोधित करशे। पीएमओए माहिती आपता कह्युं छे कि शाळा में बहुहेतुक रमत संकुलोनो शिलान्यास करशे अने प्रतिष्ठित भूतपूर्व विद्यार्थीओ अने टोचना सिद्धिओने तेना वार्षिक पुरस्कारो पण अर्पण कराशे। तेलंगणा जगतियाल में बीआरएस पार्टी नेता के कविताए जणाव्यु कि राहुल गांधी बब्बर सिंह नहीं परंतु कागड़ना सिंह समान छे कारण कि तेमने जे कईपण लखीने आपो तेवू मात्र वांचीने जता रहे छे। राहुल गांधी स्थानिक स्थिति के राजनीति समझी शकता नहीं। आ साथ ज राहुल प्रदेश की स्थानिक परंपराओं के संस्कृति ने मान आपता नहीं। राहुल गांधी जो हवे तेलंगणा में आवे तो मेहरबानी करीने जाहिर में शू कहो छो तेनी समीक्षा करो। तेलंगणा विधानसभा की चूंटणी में सतत त्रीजी वक्त जीत मेळव्या बाद बीआरएस पार्टी युद्धना धोरणे प्रचार प्रसार कर रही है तेरे कार्यकारी अध्यक्ष केटी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर आकरा प्रहारों कर्या छे। आ साथ केटीआरे तेलंगणा कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी चरित्र पर सवाल उठाव्या छे। कैश फॉर वोट केस में रेवंत रेड्डी की कथित संडोवणी ने टाकीने सीसीआरए तेमने 420 एटले के छेतरपिंडी करनार गणाव्या छे। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर लांच लईने संसद में सवाल पूछवा आरोप लगवा तेरे भाजपे मांग करी है कि महुआ मोइत्राए सांसद पद छोड़ी देव जइए अथवा टीएमसी पार्टीए मोइत्रा ने पक्ष में सस्पेंड कर देवा जइए। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावालाए कहूं कि मोइत्रा पर आरोपों संसदीय प्रणाली ने संकट में नाखा इशारो करे।
जम्मू काश्मीरनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टीना अध्यक्ष गुलाम नबी आजादे जणाव्युं के गया वर्षे तेमणे 500-600 जाहेर सभा योजी हती। अमारी मांग छे के जम्मू काश्मीर में विधानसभानी चूंटणी थवी जोईए। मात्र धारासभ्यो ज लोकोनी सारी सेवा करी सके छे, परंतु अधिकारीओ सारू वहीवटतंत्र चलावी रह्या छे, परंतु जो तेओ शासन प्रणाली पर धारासभ्योनी जेम वधु पड़तो ध्यान आपशे तो सचिवालयना कार्यो पर ध्यान आपी सकशे नहीं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज श्रीहरिकोटा टेस्ट रेंज थी गगनयान मिशन की प्रथम टेस्ट फ्लाइट ना लॉन्च करवामा आवी गई छे। आ साथे ज पहला तेने थोड़ा समय माटे अटकाववामा आव्यु हतु, पण हवे इसरोए गगनयान मिशन की प्रथम ट्रायल में फ्लाइट T1DY नु प्रथम सफल परीक्षण कर्यु छे। क्रू एस्केप मॉड्यूल प्रक्षेपण बाद अवकाश में पहुंच्यु हतु अने पछी बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित रीते उतर्यु हतु। देशना हवामान विभागे आगाही करी छे कि अरब सागर पर दबाण क्षेत्र विकसित थवा वावाझोड़ामां परिणमवानी आशंका छे। आ वर्षे अरब सागर में आवनारू बीजू मोटू वावाझोड़ू हशे। हिंद महासागर में वावाझोड़ाना नामकरणनी प्रथा मुजब आ वावाझोड़ाने तेज कहेवामां आवशे। आगाही मुजब वावाझोड़ू रविवारे गंभीर रूप धारण करे तेवी पण शक्यता छे। वावाझोड़ू ओमानना दक्षिण तटो पासे यमन तरफ आगळ वधवानुं अनुमान छे। ल्युटियन्स दिल्हीमां आवेली गोल मार्केटनो पुनर्विकास करी तेने म्यूजियममां तब्दील करवानी कामगीरी शुरू करवामां आवी छे। मार्केटना रीडेवलपमेंटनुं काम लगभग 2 वर्षना समयगाळामां पूरुं थशे। रीडेवलपमेंट माटे लगभग 22 करोड़ रूपियानो खर्च करवामां आवशे। गोल मार्केटने म्यूजियममां तब्दील करती वखते तेने जूना स्वरूप पासे छेड़छाड़ करवामां नहीं आवे। आ साथे ज गोल मार्केटनी आसपास विस्तारोने पण विकसित करवानो निर्णय लेवामां आव्यो छे। रीडेवलपमेंट बाद पण ऐतिहासिक धरोहर अने विस्तार पहेला जेवो ज दिखाशे। समाजवादी पार्टी अने कांग्रेस पक्ष वच्चे वाद विवाद चाली रह्यो छे त्यारे आ विषे प्रतिक्रिया आपता भाजपना ओबीसी मोर्चाना अध्यक्ष के लक्ष्मणे जणाव्यु के आ खूब ज विचित्र गठबंधन छे। मात्र चेहरो बदलवाथी काम के नीतिमां फेरफार आवशे नहीं। विपक्षी इंडिया गठबंधन पासे कोई नेता के नीति नथी। आ साथे ज तेमनी पासे कोई एजेंडा पण नथी। विपक्षी दल सहन करी शकता नथी अने माटे पीएम मोदी ने हरावा माटे तेओ एकत्र थया छे। समाजवादी पार्टीना अध्यक्ष अखिलेश यादवे कांग्रेस पार्टी विषे आपेला निवेदन पर प्रतिक्रिया आपता भाजपना सांसद रविशंकर प्रसादे जणाव्युं के आ विवाद तो थवानो ज हतो। आ लोकोना अंदरोअंदर लड़ाई झगड़ा छे। विपक्षी गठबंधनना लोको भाजपने हरावा मांगे छे, परंतु तेमनामां शिष्टाचारनो पण अभाव छे। आ लोको विकल्पनी वात करे छे, परंतु एक अवसरवादी गठबंधन छे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जणाव्यु के कर्नाटक सहित केटलाक राज्यों में विधानसभा की चूंटणी थई त्यां तमाम वर्गों लोकोए कांग्रेसनु समर्थन कर्यु छे। कांग्रेस पार्टी तमाम वर्गों लोकोने साथे लईने चाले छे। 5 राज्यों की विधानसभा चूंटणीनुं परिणाम पण आ वातनी साबिती आपशे। कांग्रेस पार्टी हाईकमांडोने देशव्यापी जाति आधारित वस्ती गणतरीनी वात करी छे अने अमे तेनुं समर्थन करीए छे। कांग्रेसना सांसद प्रमोद तिवारीए जणाव्यु के राहुल गांधी वर्तमान समय में जाति आधारित वस्ती गणतरीना सौथी मोटा हिमायती छे अने ए अगाउ केम न थई शक्यु ए विषे पण खुलासो आप्यो हतो। हुं तेमना बन्ने निवेदनो साथे सहमत छुं। ज्यारे बजेटमां फाळवणी करवामां आवे छे त्यारे लोकोनुं कोई जूथ तेना वंचित न रही जाय तेनुं खास ध्यान राखवुं पड़े छे। समाजवादी पार्टीना अध्यक्ष अखिलेश यादवे जणाव्यु के आ एज कांग्रेस पार्टी छे के जेणे जाति आधारित वस्ती गणतरीना आंकड़ा जाहिर कर्या नहोता। आ एक चमत्कार छे, कारण के हवे दरेक व्यक्ति जाणे छे के ज्यां सुधी तमारी पासे पछात वर्गोनुं समर्थन नथी त्यां सुधी तमे सफळ नहीं थाओ। आ एक चमत्कार समाज छे के हवे कांग्रेस पार्टी जाति आधारित वस्ती गणतरीनी मांग करी रही छे। समग्र देश में पोलिस संभारना दिवस की उजवणी करवामां आवी रही हती, त्यारे गृहप्रधान अमित शाहे दिल्ली में राष्ट्रीय पोलिस स्मारक पर पहुंचीने शहीद पोलिस जवानों ने श्रद्धांजलि आपवामां आवी छे। 21 ऑक्टोबर 1959 रोज सीआरपीएफना डीएसपी करमसिंहनी आगेवानी में 20 जवानों ने पेट्रोल पार्टी जम्मू काश्मीर लद्दाख में आवेला हॉटस्प्रिंग विस्तार में पेट्रोलिंग करी रही थी। ये समय चीनी सैनिकों भारतीय जवानों पर धड़ाधड़ फायरिंग कर्यु हतु, जेमां 10 जवानों शहीदी वहोरी हती। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में विवादों शांतिपूर्ण उकेल माटे करवामां आवेली चर्चा में सदन में भारत स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोजे जणाव्यु के वर्तमान समय में विश्व अनेक पड़कारों सामनो करी रह्यु छे, त्यारे विश्वास में फरीवार वधारा माटे प्रामाणिक बातचीत और राष्ट्र वच्चे पारस्परिक संवाद खूब जरूरी छे।
बहुपक्षीय संस्थाओं में विश्वास पुनर्निर्माण खूब जरूरी है। युएन चार्टरे बातचीत थकी विवाद नो उकेल लावानो ठराव पण पसार कर्यो छे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत प्रतिनिधि रुचिरा कंबोजे जणाव्यु कि पाकिस्ताने फरी एक बार सुरक्षा परिषद फोरम दुरुपयोग कर्यो छे। तेमनी टिप्पणीओ पायविहोणी छे अने तेथी अमे त्याने संपूर्णपणे नकारीए छे। जम्मू और काश्मीर और लद्दाखना केन्द्र शासित प्रदेशों भारत अभिनंग है। जम्मू और काश्मीर वर्ष 1947 में भारत साथ कायदेसर रीते शामिल थयुं। भारत और कैनेडा वच्चे राजद्वारी संबंधों सौथी नीचा स्तरे छे। भारते 41 कैनेडियन राजद्वारों ने स्वदेश पाछा फरवानुं कह्युं हतुं। तेमना विशेषाधिकारी पण रद्द कर्या हता। भारतीय विदेश मंत्रालय पोतानुं निवेदन जारी करीने कह्युं कि तेओए जे पण कार्य कर्या छे ते वियेना कन्वेंशननुं ध्यान में राखीने कर्युं छे। भारतीय विदेश मंत्रालय कह्युं कि कैनेडा कही रह्युं छे कि अमे वियेना कन्वेंशननुं उल्लंघन कर्युं छे। आ आरोपो संपूर्णपणे पायविहोणा छे। विदेश मंत्रालयनुं आ निवेदन कैनेडाना विदेश मंत्री मेलानिया जोलीना निवेदन बाद आव्युं छे। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी दाव कर्यो कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्द्र में सत्ताधारी पक्ष साथ अंगत समीकरणों की बात कर वर्तमान साथी पक्षों आरजेडी और कांग्रेस ने डरावी रहा है। सुशील कुमार उमेर्यू कि नीतीश कुमार की पार्टी तूटवा आरे उभी है, भाजप ने तेनी कोई जरूर नहीं। सुशील मोदी नीतीश कुमार की सरकार में एक दायका करता वधु समय सुधी नायब मुख्य प्रधान था और जनता दल नेता साथ उत्तम संबंध में जाता था। जनता दल सेक्युलर ना प्रमुख एच टी देवगौड़ा निवेदन पर केरल ना मुख्यमंत्री पिनराय विजय ने आश्चर्य व्यक्त कर्यु छे। केरल ना मुख्यमंत्री विजय ने प्रमुख ना दावा ने पायविहोणो अने खोटो गणाव्यु छे। देवगौड़ाए दाव कर्यो हतो के विजय ने तेमना प्रादेशिक हितों रक्षण माटे कर्नाटक में भाजप साथे जेडीएस ना गठबंधन की मंजूरी आपी हती। आ दावाना थोड़ा कलाकों बाद केरल ना मुख्यमंत्री पूर्व वडाप्रधान ने तेमना निवेदन में सुधारवा माटे जणाव्यु हतुं। पाकिस्तानी राजनीति माटे शनिवार दिवस महत्वपूर्ण बन्यो छे। त्रण वक्त देश वडाप्रधान रही चुकेला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ना सुप्रीमो नवाज शरीफ चार वर्ष बाद चार्टर्ड प्लेन में 150 लोग साथ परत फर्या छे। नवाज शरीफ लाहौर में एक मोटी रेली ने संबोधित करी। नवाज शरीफ छेल्ला चार वर्ष थी लंडन ना निर्वासित जीवन जीवी रहा था। कोर्टे 24 ऑक्टोबर सुधी जामीन मंजूर कर्या छे अने तेनी धरपकड़ पण रोक लगावी छे। आसो नवरात्रि में आठमो दिवस विशेष महत्व है। हिंदू धर्म पौराणिक शास्त्रों में दर्शाया प्रमाण महागौरी ए नवदुर्गा आठमनु स्वरूप है। चार भुजाओ है। एक हाथ में त्रिशूल और बीजा हाथ में डमरू धारण करेलू है। तीजो और चौथो हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में वाहन वृषभ है। नवरात्रि आठमा दिवसे नवदुर्गा आ स्वरूप पूजन अर्चन कराय। आसो नवरात्रि पर्व पर आठमनु विशेष महत्व रहेलू छे। आठमना पर्व पर शक्तिपीठों सहित माई मंदिरों में विशेष होम हवन आयोजन थाय छे। खास करीने अमदावादना नगरदेवी भद्रकाळी मंदिर में पण आजे सवारथी भक्तोनो धसारो जोवा मळ्यो हतो। माताजीने विशेष शणगार करवामां आव्यो छे। नवरात्रि आठमना दिवसे शक्तिपीठ अंबाजी में भक्तों जमावड़ो जोवा मळ्यो हतो। मोटी संख्या में माई भक्तों मां अंबाना आशीर्वाद लेवा पहोंच्या हता तो अंबाजी मंदिर ने पण फूलोथी शणगार करवामां आव्यो छे। आठमना दिवस अंबाजी में अनेरू महत्व है, जेथी दाताना राजवी परिवार शक्तिपीठ में महायज्ञ करते। आ साथ साथ अन्य भक्तों महायज्ञ में आहुति आपसे। विश्व में विख्यात वडोदरा गरबा महोत्सव ने माणवा माटे गुजरात राज्य गृहमंत्री हरसंधवीए वडोदरा की मुलाकात लीधी थी। हरसंधवीए शहर 6 विविध गरबा महोत्सव की मुलाकात लीधी और युवाधने माताजी भक्ति में लीन थी गरबे घूमता निहाड़ा था। गृहमंत्री साथ साथ वडोदरा सांसद मेयर बीजेपी शहर प्रमुख धारासभ्य वीएनएफ प्रमुख मयंक पटेल जोड़ाया था। त्यारबाद पेलेस सहित शेरी गरबा और कारेली बाग गरबा और राजवी परिवार आयोजित लक्ष्मी विलास पैलेस गरबा महोत्सव की मुलाकात ली थी। भरूचना महाराणा प्रताप राजपूत छात्रालय थी श्री गुजरात राजपूत हितवर्धक मंडल रुचि भरूच संचालित महिला उत्कर्ष समिति राजपूत नवरात्रि आयोजन करूं हतु। जमा सातमा अर्थे राजपूत समाज नाना मोटा तमाम लोग शौर्य और राजपूत संस्कृति प्रतीक तलवार साथ गरबे घूमी आदिशक्ति की आराधना करी हती। नवरात्रि उमंग चरमसीमा है, त्यारे सातमा अर्थे अमदावादना मोटेरा में योजाला एक आयोजन ने आसपासना विस्तार में आकर्षण जमाव्यु।
નોંધવા છે। મોટેરામાં આવેલા સરલ નેવ એપાર્ટમેન્ટની જ્યાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ સાતમા નોરતે એપાર્ટમેન્ટના સમગ્ર પરિસરનો દીવડાઓથી વિશેષ શણગાર કરવામાં આવે છે। એક અંદાજમાં મુજબ 1100થી વધુ દીવડાઓથી બિલ્ડિંગમાં રોશન કરી માતાજીની મહાઆરતી યોજાઈ। વાપી ખાતે મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ રિમેમ્બર્ડ રિટ્રીબ્યુશન સેક્ટર સ્કીમ હેઠળ ડીજીવી સેલના રૂપિયા 324.97 કરોડના કાર્યોનો શુભારંભ કરાવ્યો। સમગ્ર ડીજીવી સેલમાં આ યોજના અંતર્ગત 4,120.67 કરોડના કામો કરવામાં આવશે। આ યોજના હેઠળ સમગ્ર વલસાડ જિલ્લામાં 6,15,221 સ્માર્ટ પ્રીપેઇડ મીટર લગાડવામાં આવશે, જેના પરિણામે ગ્રાહકો દ્વારા દૈનિક વીજ વપરાશ નિરીક્ષણ નિયંત્રણ રીઅલ ટાઇમ ટ્રેકિંગ પૂર્વ વીજ વપરાશનું વિશ્લેષણ અને પૂર્વાનુમાન કરી શકશે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ફરી ગુજરાતના પ્રવાસે આવશે। આગામી 24 ઓક્ટોબરે અમિત શાહ ઇફકો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા નેનો ડીએપી ખાતરના પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરશે, જ્યાં તેમની સાથે કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા પણ ઉપસ્થિત રહેશે। લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા ફરી એકવાર કોંગ્રેસમાં વિવાદ શરૂ થયો છે। બારડોલી તાલુકાના કોંગ્રેસના પ્રમુખ કિરણ પટેલને જાણ બહાર જ કાઢી મૂકવામાં આવતા કાર્યક્રમોમાં રોજ ફાટી નીકળ્યો છે, જેના પગલે એક સાથે કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ રાજીનામા ધરી દીધા છે। ગુજરાતે વિદેશ જવા નીકળેલા 9 યુવાનો ગુમ થવાના કેસ મામલે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી। આ કેસમાં લાપતા લોકો અંગે હાલમાં કોઈ ભાડ ન હોવાની વિદેશ મંત્રાલયે રજૂઆત કરી હતી, જોકે વિદેશ મંત્રાલયના જવાબથી હાઈકોર્ટ નારાજ થઈ ગઈ હતી। હાઈકોર્ટે કહ્યું કે માત્ર પત્ર લખવાથી કામ કેવી રીતે થશે। હાઈકોર્ટે વિદેશ મંત્રાલયને વેધક સવાલો કરતા કહ્યું કે કેટલા ડિટેન્શન સેન્ટર ઉપર તપાસ કરી, ગેરકાયદે ઘૂસણખોરી કરતા હોય તેવી જગ્યાએ તપાસ કરી, કેમ કે તેવા પણ સવાલો કર્યા હતા। નર્મદા જિલ્લામાં એક કાર્યક્રમમાં ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ આપેલા નિવેદનમાં પગલે ફરી એકવાર વિવાદમાં ઉભો થયો છે। વસાવાએ કહ્યું કે દારૂડિયા અને જુગારિયાથી દેશ સમૃદ્ધ બનવાનું નથી, દારૂથી આદિવાસી સમાજની બરબાદી થવાની છે। હું ખુલ્લેઆમ કહું છું કે દિનેશ બુટલેકર છે, તેમાં પોલીસના પણ કેટલાક લોકો મળેલા છે, તો બીજી તરફ મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ કાર્યક્રમનો વિરોધ કરનારા લોકો પણ પ્રહાર કર્યા હતા। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મનરેગા નિયામક કચેરીમાં નિયામક વિરુદ્ધ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે। પૂર્વ ઉપસરપંચ દેવાભાઈ સોમાભાઈનો આક્ષેપ છે કે તેઓને કચેરીમાં બોલાવી નિયામકે કર્મચારીઓ પાસેથી હથિયારો મંગાવી માર મારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। એટલું જ નહીં, મનરેગાના કામમાં 50% રકમ હપ્તા પેટે નિયામકે માંગી હોવાનો પણ આક્ષેપ તેઓએ લગાવ્યો છે। ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય વિભાગે શહેરના સિંધુનગર સહિતના વિસ્તારોમાં પાણીપુરીની લારીઓ ઉપર ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું। આરોગ્ય વિભાગે પાણીપુરીનો મસાલો, બટાટા તેમજ પાણીપુરીમાં વપરાતા મટીરીયલના નમૂના લીધા હતા। ખાદ્ય સામગ્રીમાં ભેળસેળ બગડી ગયેલું મટીરીયલ, અખાદ્ય વસ્તુઓના ઉપયોગની ફરિયાદોના પગલે ફૂડ વિભાગે ચેકિંગ હાથ ધર્યું। તહેવારોને પગલે પાટણમાં પણ ફૂડ વિભાગ સક્રિય થયું છે। પાટણના ઘી બજારમાં ફૂડ વિભાગ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી, જેમાંથી 2 વેપારીઓના ત્યાં ઘીના શંકાસ્પદ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા। ગિરીશકુમાર ઘીવાળા અને નીતિનકુમાર ઘીવાળાની પેઢી પરથી ફૂડ વિભાગે સેમ્પલ લીધા હતા। બીજા પણ અલગ અલગ બ્રાન્ડના ઘીના નમૂના લઈને સેમ્પલ અર્થે મોકલવામાં આવ્યા છે। ભરૂચના જાડેશ્વર ચોકડીથી તવરા સુધીના મુખ્ય માર્ગની હાલત અતિ દયનીય છે। છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી જાડેશ્વર ચોકડીથી તવરાના સુલકતીર્થ રોડ, મંગલેશ્વર, અંગારેશ્વર, જનોર સહિત 20થી વધુ ગામને જોડતો મુખ્ય માર્ગ પર મોટા ખાડાઓ પડી ગયા છે। ખાડાઓને કારણે નાનાથી મોટા વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકી વેઠવી પડે છે, તો બીજી બાજુ રોડ પર એટલી બધી ડમરીઓ અને ધૂળ ઉડે છે, જેના કારણે લોકોના સ્વાસ્થ્ય બગડી રહ્યા છે। હાલ જ્યારે રાજ્યમાં વેવરી ઋતુ ચાલી રહી છે અને મચ્છરજન્ય રોગોમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, તેવામાં સુરેન્દ્રનગર દૂધરેજમાં રોગચાળો ફાટી નીકળેલો જોવા મળ્યો છે। દૂધરેજ ગામમાં ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયાના 250થી વધુ કેસો દાખલ થયેલા જોવા મળ્યા છે, જેને પગલે પાલિકા અને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક ફોગિંગ અને દવા છાંટકાવની કામગીરી હાથ ધરે તેવી ગ્રામજનોએ માંગ કરી હતી। દૂધરેજમાં આરોગ્ય કેન્દ્રની વ્યવસ્થા પૂરતી ન હોવાથી તમામ દર્દીઓને સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે।